नजर डालते धार्मिक खबरों पर। इस वर्ष का नवरात्रि उत्सव शनिवार को हुई विधिवत घट स्थापना से शुरू हो गया। अब आगामी 9 दिवस शहर में नवरात्रि के महाजत्रा का माहौल बना रहेगा। इस वर्ष नवरात्रि के 9वें को ही विजयादशमी भी मनाई जाएगी। जगत जननी आदि शक्ति के आराधना पर्व की शनिवार के घट स्थापना से विधिवत शुरुआत हो गई। इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हम आप तक पहुंचाते हैं शहर के पुरातन श्री अंबादेवी मंदिर परिसर से। शुक्रवार 5 ऑक्टोबर पासून यंदाच्या शारदीय नवरात्र उत्सवाची जय्यत तयारी पासून सुरुवात झालेली आहे। आपण माझ्या मागे बघू शकता महानगरातील अंबादेवीचं हे अंबादेवी मंदिर आहे जे आणि याच विदर्भातील अंबादेवी नवरात्री उत्सवासाठी अवघ्या महाराष्ट्रभरातील भक्तांची रीघ लागते आणि त्याचीच सुरुवात या घटस्थापनेच्या शुभ पर्वापासून यांची सुरू झालेली आहे। आता नेमके आगामी 10 दिवस या अंबानगरी अमरावती याच नवरात्री उत्सवाची जय्यत धूम असेल। समस्त दर्शकांना आम्हाला एक सांगायचं आहे की यंदाची नवरात्र केवळ 9 दिवसाची आहे, म्हणजे आज घटस्थापना झाली, विजयादशमी पर्यंत फक्त 9 दिवस असतील आणि 9व्या दिवशी विजयादशमी साजरी होणार आहे। महानगरात या अंबादेवी मंदिरासह इतर ठिकाणीही नवदुर्गोत्सव उत्सवाची जय्यत तयारी झाली असून त्याची संपूर्ण माहिती आपल्यापर्यंत आम्ही अतिस अशीच इत्यंभूत पोहोचवत आहे। चला आपण बघूया की या यंदाच्या उत्सवासाठी नेमकी कशी कशी तयारी झाली आहे आणि प्रशासनाने कुठल्या उपाययोजना यंदाच्या नवरात्री उत्सवासाठी आखून ठेवलेल्या आहेत माहिती घेऊया। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, शस्त्रधारी पुलिस तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनुचित घटना इस नवरात्रि उत्सव के उत्सव को सेंध न लगा पाए। और तमाम शहरवासियों ने भी अपने आप की जिम्मेदारी समझकर आसपास में नजर रखना भी बेहद जरूरी हो की जाए। तो शुरू हो गया इस वर्ष का नवरात्रि उत्सव। नवरात्रि उत्सव में अम्बा देवी मंदिर में जो भीड़ उमड़ती है, पूरे समूचे महाराष्ट्र भर से भाविक यहाँ दर्शन को आते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। महानगरी का ये पुरातन मंदिर है जहाँ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाना शुरू हो चुका है। आगामी विजयादशमी तक यही माहौल ऐसा चलेगा। हम आपको बताने वाले थे कि इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव की व्यवस्था किस तरह से की गई है। आप जो ये लाइन देख रहे हो ये है पुरुष का मार्ग जो बाहर की सीमा से प्रवेशित होकर अम्बा देवी तक मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेगा और इसी मार्ग के साथ में ही विपरीत दिशा से महिलाओं की दर्शन की व्यवस्था यहाँ की गई है। जो महिलाएं लाइन में कतार में आते हुए इस गर्भगृह तक पहुंचेंगी और इसी मार्ग से उन्हें बाहर भी जाना होगा। इस वर्ष दर्शनार्थियों को किसी प्रकार का कोई तकलीफ न हो इसकी भी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी व्यवस्था से कर ली है। अगर बारिश वगैरह होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे मंडप एवं आच्छादन लगा दिए गए हैं। बात करें पुलिस व्यवस्थापन की तो पुलिस व्यवस्थापन भी इस पूरे मंदिर पर नजरें गड़ाए हैं क्योंकि इस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को देखकर अंबादेवी मंदिर और इक्वरा देवी मंदिर ये आतंकियों के हिट लिस्ट पर है, ऐसी सूचना आईबी ने पुलिस को दे रखी है। और इसी सूचना के मद्देनजर महानगर पुलिस महकमे ने अतिरिक्त पुलिस दल बल के साथ इस समूचे मंदिर पर चप्पे चप्पे की निगरानी करना भी शुरू कर दिया है और ये आलम समूचे 10 दिन तक यूं ही बरकरार रहेगा। ये जो मार्ग है ये मार्ग समूचे शहरवासियों को भलीभांति परिचित है और समूचे शहरवासी ये भी जानते हैं कि इसी अम्बा देवी मार्ग पर आगामी 10 दिन तक वो जुलूस और वो जत्रा भरा माहौल रहेगा जिसको देखने के लिए समूची शहरवासी उत्कंठा से इंतजार कर रही थी। उस पल का जिस पल से घट स्थापना और नवरात्रि उत्सव का धूमधाम वाला माहौल नजर आना शुरू हो गया। अब आगामी 9 दिनों तक शहर में यही माहौल रहेगा। आपको व्यवस्था के बारे में बता दें, ये जो मार्ग है राजकमल चौराहे से सीधे अम्बा देवी तक आता है और हम जिस ऊंचाई पे खड़े हैं ऐसे कटघरे इस पूरे रास्ते पर बनाए गए हैं ताकि पुलिस इन कटघरों पर खड़े रहकर इस समूचे माहौल पर पैनी नजर रख सके। आपको बताएं कि वहाँ पे जो आप एक बोर्ड देख रहे हो वो चौराहे पर पुलिसिया कंट्रोल रूम बना है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरों के साथ सीधी तस्वीरें
पुलिस महकमा देख पाएगा, यानी उन्हें साफ पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। और उस पूरे दर्शन मार्ग पर इस तरह के जो चबूतरे बनाए गए हैं, उस चबूतरों पर पुलिस के दस्ते तैनात रहेंगे, दल बल के साथ तैनात ये दस्ते, या किसी भी तरह की कोई विपरीत घटना घटित है तो फौरन हरकत में आ जाएंगे। आपको और एक बात बता दें कि इस पूरे मार्ग पर रास्ते के दोनों किनारे दुकानों को अनुमति दी गई है और वो दुकानें लगना भी शुरू हो चुका है। अब तो बस बारी है यहाँ भीड़ भाड़ वाला माहौल बनने की, जो माहौल निरंतर विजयादशमी तक यूं ही जस की तस बना रहेगा। और भारी भीड़ भाड़ वाला माहौल इस पूरे एरिया में आगामी 9 दिनों तक बदस्तूर चलते रहेगा। जगदम्बा मैया का जगराता होगा, रास गरबा होगा, डांडिया खेला जाएगा, माता का आराधना की जाएंगी और बड़े पर्व के साथ विजयादशमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। और ये धूम अब महानगरी में शुरू हो चुकी है। इस नवरात्रि उत्सव की पल पल की जानकारी आप तक यूं ही हम पहुंचा के रहेंगे। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, कैमरामैन शाहबाज खान के साथ अमोल खोड़े, सिटी न्यूज। शेरा में पोरा मार्ग पर स्थित माता वैष्णो देवी की विशाल गुफा में इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। विधिवत घट स्थापना माता वैष्णो देवी का मनोहारी पावन श्रृंगार और नवरात्रि उत्सव की रौनक ये माहौल यहाँ है। विगत नवरात्रि उत्सव दौरान लोकार्पित हुए पोहरा मार्ग स्थित निसर्ग रम्य वातावरण के बीच स्थापित माता वैष्णो देवी के विशाल गुफानुमा मंदिर में शनिवार से नवरात्रि उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। विधिवत घट स्थापना से इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव की धूम यहां शुरू हो चुकी है। माता वैष्णो देवी के पिंडियों का मनोहारी श्रृंगार भी विशेष ही होता है। माता के श्रृंगार के दर्शन भी आपको कराए जा रहे हैं। सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदशैव सिन्दूरं प्रदीयताम् ऐवोगैवदेति वाहुञ्जावा एतिं परिपादमानो सङ्गपुमान् पुमा गोधुं परिपाद विश्वतः पोलोकिमाला विधिवत घट स्थापना से इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव की शुरुआत इस भव्य गुफानुमा मंदिर में शुरू हो चुकी है। अब आगामी विजयादशमी तक यहाँ पूजा अर्चना, रास गरबा, प्रसाद वितरण सहित विभिन्न कार्यक्रम सिलसिलेवार रूप से संपन्न होते रहेंगे। भाविक माता वैष्णो देवी के आशीष प्राप्त करे और धन्य हो जाए, ये अनुरोध माता वैष्णो देवी मंदिर का है। Yeah.
शनिवार को सुबह घट स्थापना से नौ कुंडीय शतचंडी माँ यज्ञ का श्री गणेशा हुआ। श्री काली माता शक्तिपीठ की ओर से और शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज की प्रेरणा से यह नौ कुंडीय हवनात्मक शतचंडी महायज्ञ श्रद्धा भाव से हो रहा है। शहर के श्री काली माता शक्तिपीठ में शनिवार की सुबह घट स्थापना कर नौ कुंडीय शतचंडी महायज्ञ की अग्नि स्थापना हुई। शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज की प्रेरणा से आयोजित इस नौ कुंडीय शतचंडी भवनात्मक महायज्ञ का मंडप द्वार पूजन, मंडप प्रवेश, नवग्रह स्थापना कर अग्नि स्थापना, घट स्थापना कर की गई और महायज्ञ की विधिवत शुरुआत हो गई। शनिवार के घट स्थापना नवरात्रि पर्व पर शुरू हुआ ये महायज्ञ विजयादशमी तक चलेगा। विजयादशमी के दिन पूर्णाहुति यज्ञ और यज्ञ महाआरती से इस नौ कुंडीय शतचंडी महायज्ञ का समापन होगा। सभी भाविक नवरात्रि के पावन पर्वों पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन का लाभ ले, ऐसा जाहिर अनुरोध काली माता शक्तिपीठ की ओर से किया जा रहा है। अष्टाविंशति तमे श्री सूर्यनारायण दक्षिणायने सदलितो मासाना मासोत्तमे मासे महामंगल प्रदे मासे आश्विन मासे आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थं स्थिर लक्ष्मी पुत्र पौत्रादि धनधान्य समेत्यर्थम्।